कोरोना लॉकडाउन के इस दौर में डीडी बिहार डीडी न्यूज की टीम अनवरत अपने दर्शकों की सेवा में लगी हुई है। आइए देखते हैं दूरदर्शन के भीतर कैसे हो रहा है काम। रूम में है और आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से लोग इस कोरोना संकट के बावजूद अपने काम में लगे हुए हैं। यहाँ पर हमने सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखा है। ये एडिटिंग टेबल है हमारा। ये सारे लोग यहाँ पर इस समय अनवरत सेवा दे रहे हैं लॉकडाउन के बावजूद, क्योंकि समाचार का काम ऐसा है कि वो हमेशा चलता रहता है। स्वास्तिका जी यहाँ हमारी न्यूज रीडर न्यूज़ की रिहर्सल कर रही हैं। मेरी ड्यूटी जब से यहाँ पे लगी लॉकडाउन के दौरान, मैंने बखूबी अपनी ड्यूटी का निभाया ड्यूटी को, और सरकार के जितने भी गाइडलाइंस हैं उन सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए। आइए मिलते हैं कविता से। सर, मैं 45 दिनों बाद आज ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ। सिंस मैं पटना के हॉस्टल में रहती हूँ और अचानक से लॉकडाउन होने की वजह से हमारे हॉस्टल ऑनर ने अलाउ नहीं किया बाहर निकलने को। फिर मैंने अपने डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर और हैदर सर से मैंने बात की फ़ोन पे, तो उन्होंने मुझे वर्क फ्रॉम होम का असाइनमेंट दिया। इस समय हम डीडी बिहार के प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में हैं और जो कुछ भी आप देखते हैं स्क्रीन पर वो सब कुछ यहीं से नियंत्रित होता है। नीचे स्टूडियो का दृश्य आपको हमने दिखाया। कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन की स्थिति में भी यहाँ पर जो कोरोना योद्धा ही हम इन्हें कहेंगे, ये निरंतर अपनी ड्यूटी पर लगे हुए हैं। पूरा ऑफिस इस पर लॉकडाउन का असर तो है, लेकिन सामान्य दिनों के मुकाबले लोग ड्यूटी पर ज़्यादा तत्पर हैं और काम अपना पूरी मुस्तैदी से कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना।